गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 24 से टेस्ट शुरू होने वाला है। नेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप जाके NTA के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 24 से आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGNET 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड UGCNET.NTA.NIC.IN पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। अगर कोई भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो वह कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक NTA की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। UGNET 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो 24 सितंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पे अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है डाउनलोड करने में तो वह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप NTA के हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग NTA के वेबसाइट पे आने के लिए UGCNET.NTA.NIC.IN टाइप करेंगे। और यहाँ पे वेबसाइट आ गया। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप चले जाइएगा वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे करंट इवेंट तो आप उससे देख लीजिएगा। ये आपके बहुत काम का होता है, इसे आप हमेशा चेक करते रहिएगा, ठीक है। जो भी नेट के स्टूडेंट है या फिर अदर भी जो भी है वो अपने वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए एग्ज़ाम का, ताकि पता चले जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम नीचे जाते हैं। तो थोड़ा नीचे जाने पर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे कार्ड लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे कार्ड होगा फॉर UGNET जून 2020, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कीजिएगा कि इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिया है सिक्योरिटी पिन उसको आप इसमें इंटर कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, ठीक है। सबमिट को क्लिक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है लॉगिन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए इसको डाउनलोड करने में। ऐसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं।